दाखिल हो गए हैं। और ये जो मैन दरिया है जिसके अंदर तूफान आया हुआ है, जो सैलाब की वजह बन रहा है, उससे तकरीबन ये 6 किलोमीटर दूर के मनाजिर हैं। और ये पानी का फ्लो मैन सिटी की तरफ दाखिल हो रहा है और ये बनता जा रहा है। और यहाँ के करीब करीब के जितने लोग हैं वो यहाँ से निकल कर दूर आकर बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, किधर है आपका घर? हमारा घर उधर पानी में डूब गया और हमारा बंदे उधर फंसे हुए ना। हाँ, बच्ची भी है, जनानी भी है और मर्द भी है, कोई निकालने वाले भी नहीं है, सारे पेंगे उधर पड़े। ये तो बड़ी बुरी हालत है। और यहाँ से कितना दूर है आपका घर? तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। वो किस तरह से निकलेंगे आप? वो तो उसके निकलने के कोई रास्ता नहीं है। और आर्मी वालों को, SP 112 को, सारे मुख्यमंत्री वाले को फोन किए लेकिन कोई नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक? नहीं गया। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए कि ये 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जो हम लोग हैं आगे जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि ये पानी का फ्लो लगातार ये बढ़ता जा रहा है और काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप घर कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। और वो डूब गया है अभी, ये क्या पोजीशन? वो भी डूब गया है। तो आप लोग इधर बैठ के क्या कर रहे हो अकेले? कोई पूछने वाला कोई नहीं? कुछ भी नहीं है, इधर ऐसा बैठा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके क्या हाल है? आपका भी घर इसी तरफ पानी में आ गया? पानी डूब गया। बाकी आप सारे खैरियत से निकल गए? उर्दू नहीं आता? उर्दू ही नहीं आ रहा। और ये आप देखें, पानी की सूरत हाल ये बनती जा रही है। और ये इस तरफ चारसदा सिटी है और अभी भी ये मैन दरिया से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और इसका फ्लो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, 1 बजे तक यहाँ पे पानी नहीं था। उधर हाँ, थोड़ा पास आए ना, ये जो उधर नहीं था उधर पंप के साथ था थोड़ा सा। अच्छा, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में हुए 3 के ऊपर नहीं। हाँ, अभी तक उधर भी आ गया और उधर सर उस तरफ से भी आ रही है। तो अभी तकरीबन इधर वो जो आई आर्मी वाले भी हुए, तकरीबन 2-3 घर में अगर बंदे फंसी हुए, वो निकाले सर। अच्छा, तकरीबन 2-3 घंटे